पुरकाजी में 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले पारंपरिक जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। जुलूस दोपहर 3 बजे इमामबाड़ा खुर्द छोटा दरबार से उठकर अपने रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे बड़ा दरबार स्थित बड़ा इमामबाड़ा में सम्पन्न हुआ। जुलूस में श्री अशोकवार नोहा खानी या हुसैन की सदाओं को बुलंद करते और सीना जनी करते हुए चल रहे थे, एवं कस्बे के नौजवानों ने अपने अखाड़े निकाले और युवाओं ने अपने अपने पटे के करतब दिखाए, जिसमें मुख्य रूप से एडवोकेट सैयद नसीर हैदर काजमी, मेहंदी रजा काजमी, असगर मेहंदी काजमी, फैज आदिल, मुनीस काजमी, असद रजा काजमी, कामिल काजमी, कुमैल काजमी, काशिफ काजमी, डॉक्टर चांद काजमी, आसिम काजमी, लकी काजमी, हैदर खान, अजीम खान, सईद पहलवान कुरैशी, खलीफा असगर खान, तौकीर गोड़, सोनू कुरैशी, आमिर कुरैशी, डॉक्टर इफ्तखार सागर, ईश्वर जैदी, सलीम काजमी उर्फ शेरू, अनवर जैदी, ताबिश काजमी, शबी काजमी, अली नवाज, मोहम्मद अली, रईस जैदी, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आलम काजमी आदि लोग शामिल रहे। ये 1400 साल से ज़्यादा हो गए सरकारें आलम मकाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनके हम कलमा को हैं उनके नवासों को सन 63 हिजरी में कर्बला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया था। हम उनकी याद में मातम भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि देखो जिनका कलमा पढ़ रहे हो उनके नवासे, जिनके लिए उन्होंने ये कहा कि हुसैन मिन्नी वाना मेरा हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, वो ये याद मनाते हैं। और 7 मुहर्रम को खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास से याद में ये अलम इस्लामी अलम जो है ये हम पालन करते हैं। और ये टेररिज्म आतंकवाद के खिलाफ 1400 साल से ये सिया अलम बुलंद हो रहा है कि जुल्म बेईमानी गुंडागर्दी ताकत जहूरियत इस सब के खिलाफ बुलंद हुई है, कभी किसी तादाद के सामने मत झुकिए और सच्चाई और हक के साथ हमेशा रहिए, यही पैगाम देने के लिए ये जरूरी है। पुरकाजी की तारीख का सबसे कदीम जुलूस है और ये ना किसी एक खास फिरके का, क्योंकि इसको शिया उठाते हैं, ये तमाम मुसलमानों ने पुरकाजी की तरफ से इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश की जाती है। और इस जुलूस में आप देख रहे हैं कि आगे आगे जो है वो सभी अखाड़े के लोग और कुरैशी हजरात और हमारे पठान बिरादरी के लोग, हलवाई बिरादर, जैसे जैसे जिन मोहल्ले से ये जुलूस गुजरता है सभी लोग का इसके अंदर बराबर का सहयोग रहता है और अपना अपने खराज अकीदत जो है वो इमाम हुसैन को पेश करते हैं अपने अंदाज के तरीके से। हिंदू समाज के लोग अभी जब आप ये जुलूस हमारा बाजार के अंदर पहुंचेगा और मंदिर ठाकुर द्वारा पहुंचेगा तो वहां के ऊपर सभी हिंदू हजरात जो है सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने हिसाब से नजराना, सभी जितने भी यहाँ के ऊपर रहने वाले निवासी हैं सभी धर्म के लोग। नगर पंचायत, नगर पंचायत की तरफ से आप देखिए साफ सफाई का और पानी का इंतजाम बराबर आगे आगे पूरा स्टाफ हमका चल रहा है और पुलिस प्रशासन जो है सबसे आगे चल रहा है और पीछे भी बिजली विभाग की तरफ से हमेशा की तरफ से 2-3 लाइनमैन जुलूस के साथ में है, जहाँ कहीं के ऊपर भी अगर कोई अवरोध पैदा होता तो उसको
ठीक कर देते हैं, जिससे कि किसी को कोई तरह की जुलूस में आलम को कोई परेशानी। अच्छा, ये आपके कोरवा लोग कहाँ से हैं? हमारे यहाँ मुख्तलिफ बाहर, पहली बात तो पुरकाजी के अंदर, मुहर्रम के अंदर जितने पुरकाजी के लोग सभी आ जाते हैं, और खास तौर से जौली, सादात, मुजफ्फरनगर, जैनपुर, मंगलौर, आसपास के लोग इन जुलूसों के अंदर शामिल होने के लिए। सात मुहर्रम जनाबे कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, और ये मुहर्रम, ये जुलूस, ये मातम, ये आज़ादारी, ये खुद जुल्म पर मजलूम की फतेह का नाम है कि जहाँ जालिमीन ने मजलूम को मिटाने की कोशिश की थी, और हमेशा जालिमीन मजलूमों को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन मजलूमों के साथ अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की मदद है, और अल्लाह की मदद रहेगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि मजलूम का हामी और मददगार परवरदिगार करार पाता है। और पुरकाजी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से ये जुलूस अज़ा बरामद होते हैं, जिसमें तमाम अहले सुन्नत भाई और हिंदू भाई हमारे सब मिलकर साथ देते हैं और साथ में हमारे चला करते हैं। यहाँ पर कभी कोई इख्तलाफ और कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे एक इंसान जो है वो ये समझ सके कि मुहर्रम से लोग जो है परहेज करते हैं, बल्कि सब लोग जो है आपस में मिलकर मजलिस अज़ा और जुलूस अज़ा में शरीक रहते हैं।